हेलो फ्रेंड्स, फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के हम बताने वाले नेटवर्क स्पीड को डिसेबल कैसे करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है नेटवर्क स्पीड, और फ्रेंड्स इसको डिसेबल कैसे करें आज का टॉपिक यही है। और फ्रेंड्स मेरे पास है रियलमी X7 Pro। और फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल में पहली बार आएंगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है, और सेटिंग पर जाने में आपको सेकंड इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ दिखता है नोटिफिकेशन स्टेटस बार, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, उसको रियल टाइम भी कहते हैं और नेटवर्क स्पीड। अब फ्रेंड्स इसको यहाँ से इस प्रकार करेंगे तो आपका डिसेबल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं और इसी प्रकार से इसे डिसेबल करते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में रियल टाइम स्पीड यानी नेटवर्क स्पीड को डिसेबल कर सकते हैं। और यहीं पर आपको दिखता है एक और ऑप्शन शो बैटरी परसेंटेज, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बैटरी परसेंटेज बाहर शो होगा। आउटसाइड पे क्लिक करेंगे तो देख सकते फ्रेंड्स अब ये बाहर शो हो रहा है। और जब आप इसे डू नॉट डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं तो आपका बैटरी परसेंटेज शो नहीं होगा, और देख सकते हैं यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और जब मैं इसे इनेबल करती हूँ आउटसाइड यानी कि बाहर की साइड रखना चाहूँगी तो ये बाहर शो होगा, जब इनसाइड रखेगी तो आपका अंदर शो होगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से आप अपने फोन बैटरी परसेंटेज को शो कर सकते हैं। तो आई होप आप सीखी चाहिए बैटरी परसेंटेज को भी शो कैसे करते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को डिसेबल करते हैं, और इसी प्रकार से इसे इनेबल करते हैं, इसी प्रकार से इसे डिसेबल करते हैं। तो आई होप आप सीखी चाहिए रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को डिसेबल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।